सी कॉम्प्लेक्स, इसके बाद कौन सा चैप्टर? देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है, इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, फिर कॉनिक्स खत्म करके वी कैन गो टू डायरेक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉनिक सेक्शन, प्रोबेबिलिटी, वो एक कनेक्टेड टॉपिक है। देखो संडे को इसका टेस्ट कैसे, जितना होगा उतना टेस्ट लेंगे, जितना होगा उतना टेस्ट। देखो लाइंस, कॉनिक्स, इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक टीम है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, ये एक टीम है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, एक टीम है। सर पूरे मैथ्स का सिलेबस खत्म कब तक हो जाएगा? देखो लाइंस हो गया, कॉनिक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ऐसे ये हो गया, ये एक साथ होगा, ये आपका 1 मंथ लेगा। ठीक है, अभी क्या चल रहा है आपका? अक्टूबर। देखो अक्टूबर खत्म होते होते ये खत्म हो जाएगा, और कॉनिक्स का जो फाइनल है वो भी खत्म हो जाएगा, जो फाइनल टच है। नवंबर में ये खत्म हो जाएगा, और तो दिसंबर, ये दिस प्लस आपका वो भी खत्म हो जाएगा। वो कौन सा टॉपिक है आपका? एपीजीपी, सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो एपीजीपी एंड मैथमेटिकल इंडक्शन एक टीम है। फिर आपका एक टॉपिक बचेगा स्टैट्स, 3D तो टाइम पास है, वो यूज, वो 12th का टॉपिक है एक्चुअली। स्टैट्स आपका हो जाएगा 1 वीक का टॉपिक है, 1 वीक 2 वीक आराम से सिलेबस हो जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। दिवाली में आपकी छुट्टी है स्कूल की, और मेरे पास से बहुत टाइम है आपके साथ, तो मैं आपको अच्छे से सिलेबस खत्म करवा दूंगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जहां से आपका 10th का मैथ्स खत्म होता है, राइट? सिंपल एग्जाम्पल, अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, आपको कुछ याद आ रहा है? अंडर रूट -5, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आप क्या लिखते थे? डी इज लेस देन 0, राइट? व्हेन यू यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब डी लेस देन 0 आता था आप क्या लिखते थे? नो रियल रूट, नो रियल रूट्स, बिकॉज अंडर रूट नेगेटिव इज नॉट अ रियल नंबर। दिस ऑल अंडर रूट नेगेटिव, दे आर नॉट अ रियल नंबर। दिस ऑल आर नोन एज इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट नेगेटिव जब भी आए वो इमेजिनरी नंबर होता है। अब देखो एक चीज हमसे याद रखना, जो अंडर रूट ऑफ -1 है उसकी वैल्यू आई होती है, हम अज्यूम करते हैं आई, तो पूरी स्टार्टिंग अंडर रूट -1 से होती है। तो अंडर रूट -2 क्या हो जाएगा? √2i। अंडर रूट -5 क्या होगा? √5i। तो मेरे पास सारे नंबर्स जैसे 2i, 3i, 4i, 10i, 20i, ये सब क्या है? मेरे इमेजिनरी नंबर्स है। ठीक है, और i क्या है मेरा? अंडर रूट ऑफ -1। Easy, right? ठीक है, अब एक चीज हमें से याद रखना, रिलेटेड टू आई, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग। देखो आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, स्क्वायर करूंगा, आई क्यूब इज इक्वल टू -i। कैसे? आई क्यूब क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई, आई स्क्वायर -1 है तो -i हो गया। आई फोर क्या है? आई फोर हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, क्या होगा? -1 × -1 = 1। तो ये चार चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, क्या? आई आई है, आई स्क्वायर -1 है, आई क्यूब -i है, एंड i4 1। ये चार चीजें आपको याद रखनी है। कितनों को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग?
इजी है सब। चलो ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? कैसे करेंगे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री बाय टू। क्या होगा? माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाय टू। क्या आएगा आंसर आपका? आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। सो एक्चुअली व्हाट इज योर, अब देखो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दिस, माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आई बाय टू ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वन बाय टू प्लस रूट माइनस रूट थ्री आई बाय टू। इसमें अब देखो दो पार्ट है, दिस इक्वेशन हैज टू पार्ट्स, दिस पार्ट इज नोन एज रियल पार्ट, रियल पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये मेरा x है, x क्या है मेरा रूट है। सो ऑलवेज रिमेंबर एवरी नंबर, एवरी नंबर हैज टू पार्ट्स, रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट। इस पे मैं आगे और डिस्कस करूंगा, बस अभी आप इतना याद रखो, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्यों? क्योंकि ये i के साथ है और ये रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कुछ i नहीं है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। आई विल कम टू दैट अगेन। ओके, नाउ दिस इज वन मोर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। What is the value of i की पावर 17, i की पावर 232, i की पावर 2020? इन सब क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? देखो बहुत सिंपल है, आपको ऑलरेडी पता है i की वैल्यू, i स्क्वायर की वैल्यू, i क्यूब की वैल्यू, i फोर की वैल्यू। मैं इससे क्या करूंगा, 4 के मल्टीपल्स बाहर निकालूंगा, इससे 4 के मल्टीपल्स बाहर निकालो। क्या हो जाएगा जब 4 के मल्टीपल्स बाहर निकालोगे? i की पावर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू i की पावर 16 इंटू आई। अब देखो अगर i की पावर 4 1 है तो i की पावर 8, i की पावर 12, i की पावर 16, i की पावर 20, i की पावर 24, i की पावर 28, जो भी 4 के मल्टीपल्स हैं सब क्या होंगे? सबके सब 1 होंगे। सो आई कैन राइट i की पावर 4 की पावर n is equal to 1। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, i के मल्टीपल्स बाहर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, i 16 plus 1 क्या होगा, i की पावर 16 into i, 6 i की पावर 16 क्या हो जाएगा, 1 into i is equal to i। ये मेरा आंसर हो गया। तो i की पावर 17 क्या है मेरा, i है। i की पावर 232, i की पावर 232 मल्टीपल्स देखते हैं, शायद से पूरा 4 का मल्टीपल है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 4 राइट, 232 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या आ जाएगा, i की पावर 232 इज इक्वल टू 1। i की पावर 2020, i की पावर 2020 क्या होगा, 4 का मल्टीपल है ये, यस दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, 2020 इज मल्टीपल 505 मतलब 4 n की पावर 505 ये बोल रहा हूं राइट, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सपोज आई गिव यू क्वेश्चन लाइक दिस, i की पावर 103, ये कैसे करेंगे? अब देखो ये भी बहुत इजी है, 4 के मल्टीपल्स बाहर निकालो, i की पावर 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 राइट प्लस 3, क्या आ जाएगा, i की पावर 100 इंटू i क्यूब, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू i क्यूब, i क्यूब क्या होता है मेरा, माइनस i।
like this video. So this is very easy concept, right? Okay, student, can you solve this? What is the value of I1 plus I2 plus I3 plus I4? देखो ये आई हो गया आई स्क्वायर माइनस वन माइनस आई प्लस वन सब कट जाएगा क्या आएगा जीरो सो वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट जीरो सो हमेशा याद रखना जब मैं आई को फोर सीक्वेंस में लिखता हूं फोर ऑर्डर में सपोज देखो आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 इसका आंसर जीरो होगा जब भी मैं कंजुगेटिव फोर नंबर्स के ऑर्डर में आई को लिखता हूं हमेशा सम क्या होगा जीरो आई की पावर एन प्लस आई की पावर एन प्लस वन प्लस आई की पावर एन प्लस टू प्लस आई की पावर एन प्लस थ्री क्या होगा जीरो क्यों क्योंकि सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ आई ठीक है अब देखो एक और क्वेश्चन What is the value of 1 by 1 upon i? 1 upon i की value क्या होती है? How you will find value of 1 upon i? No idea. So ठीक है. 1 upon i को क्या करो? Into i divide by i करो. क्या होगा? I divide by i square. आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस वन इज इक्वल टू माइनस आई हमेशा याद रखना आई आई स्क्वायर क्या है मेरा माइनस वन आई क्यूब क्या है मेरा माइनस आई आई फोर क्या है मेरा वन वन अपॉन आई क्या है मेरा माइनस आई है वन अपॉन आई इज माइनस आई क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो ना कैन यू डू दिस क्वेश्चन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वन अपॉन आई की पावर 36 सो इट नॉट 36 35 वन अपॉन आई की पावर 35 ट्राई करो तो देखते हैं ये क्या है वन अपॉन आई की पावर 32 प्लस 3 वन अपॉन आई क्यूब हो जाएगा मतलब क्या वन अपॉन माइनस आई देखो अगर वन अपॉन आई माइनस आई है तो वन अपॉन माइनस आई क्या होगा आई होगा देखो अगर वन अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई तो वन अपॉन माइनस आई क्या होगा आई होगा कि नहीं दोनों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो कितनों को आया समझ में हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस यस आई रिपीट देखो 35 है 35 को क्या करेंगे 4 का पेयर निकालेंगे राइट 4 का पेयर निकालेंगे आई की पावर 32 प्लस 3 राइट आई की पावर 32 प्लस 3 ये 4 का मल्टीपल्स बाहर निकाले क्या बचेगा आई की पावर 32 इंटू आई क्यू आई की पावर 32 वन हो जाएगा आई क्यू माइनस आई होता है अब देखो वन अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस आई तो वन अपॉन माइनस आई क्या होगा आई हो जाएगा तो वन अपॉन माइनस आई आई ये मेरा आंसर होगा आया हृदय समझ में ये सब ऐसे नहीं कर सकते हो आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड देखो वन अपॉन माइनस आई है You can multiply with i and i both. तो आपका आ जाएगा i upon minus i square is equal to i upon minus of minus one equal to i. Student, am I lagging?
इसमें लैग हो रहा है, एक मिनट, नहीं हो रहा। ओके आई थिंक आपके नेटवर्क देखो एक बार, शायद आपके में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मैक्सिमम आर टेलिंग इज फाइन। ओके स्टूडेंट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। आया आई की पावर 57, क्या हो जाएगा आई की पावर 56 प्लस 1, 4 का पेयर निकाल लिया, निकाला मैंने, क्या हो गया आई हो गया अपॉन 1 अपॉन आई की पावर 125। अब देखो इसको भी अगर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा 1 अपॉन I की पावर 124 प्लस 1, ये 4 का पेयर बाहर निकाला, क्या आएगा मेरा I प्लस 1 by I, 1 by I आपको पता है माइनस I होता है, I माइनस I इज इक्वल टू 0, इजी राइट। तो ये एक टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न है, ठीक है, मैंने दो पैटर्न बता दिए, I के क्वेश्चन सॉल्व करना और रूट निकालना, ठीक है। ठीक है ये लास्ट क्वेश्चन, ये अब मेंस का क्वेश्चन है, बहुत इजी है, पहले मेंस एडवांस नहीं होता था, पहले एक ही आईआईटी होता था। आई होप आपके पूरा समझ में आ रहा है लिखा क्या है ये, राइट, कितनों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, राइट। देखो समीशन मतलब क्या, सम करना, किसका आई एन, आई एन प्लस टू, एन वन से फाइव जा रहा है, व्हाट डज दिस मीन, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 जाएगी, एन की वैल्यू क्या जाएगी 1 2 3 4 5, और ये सारी वैल्यूज आई पे चढ़ेंगी तो आई एड होगा, आई एक्सप्लेन होगा, summation of n equal to 1 to 5 i n plus i n plus 2। अब देखो how we write it, n की value 1 to 5 जाएगी, n goes from 1 to 5, ये थोड़ा coding की तरह, c coding की तरह, n की value 1 डालो, i 1 plus i 3, right, i 1 plus i 3, ये एक वन डाला मैंने, अब टू डालूंगा तो क्या होगा आई टू प्लस आई फोर, लेकिन समीशन आता है, ये क्या बोल रहा है 1 to 5 जब मैं एन की वैल्यू डालूंगा तो सारी वैल्यूज ऐड करनी है मुझे। अब देखो मैं एन की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या होगा ऐड होगा, क्या आई 3 प्लस आई 6, अब मैं आई की वैल्यू 4 डालूंगा क्या होगा I 4 प्लस I, अच्छा गड़बड़ हो गया, ये I 5 होगा, I 4 प्लस I 6, अब मैं I की वैल्यू 5 डालूंगा, I 5 प्लस I 7, अब देखो इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा N की वैल्यू 5 तक ही जा रही है, N की वैल्यू मेरी 5 तक जा रही है, 5 से ऊपर नहीं जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूं तो ये 8 तक चलेगा, n की वैल्यू 1 टू 8 जाएगी, कितनों को आया समझ में ये, हाउ मेनी गॉट इट। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, समीशन ऑफ i की पावर n
एन इक्वल टू 1 to 4 और 1 to 4 कैसे लिखूंगा, आई वन प्लस आई की वैल्यू 2 डालूंगा, आई टू प्लस फिर आई थ्री प्लस आई फोर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 आंसर आ रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, आई वन प्लस आई थ्री क्या होगा, आई माइनस आई, आई माइनस आई, ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन। अब ये देखो ये क्या होगा माइनस आई प्लस आई, ये क्या होगा वन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा आई माइनस आई, सारी वैल्यूज कट गई, आंसर आ गया 0। ऑप्शन में है क्या, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी मैं ऑप्शन देना भूल गया, आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, इजी है राइट। ओके अब आते हैं व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड विच इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। फॉर एग्जाम्पल आई राइट जेड इज इक्वल टू 2 + 3i वेयर दिस ए इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ जेड, द राइट रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए। जैसे मैं यहां पे लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2, बी इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट, how I write imaginary part of z is equal to b, here I will write imaginary part of z is equal to 3। okay ab dekho complex number z equal to a plus ib hai, if a is equal to 0 then it becomes what, प्योर इमेजिनरी। इफ ए बी इज इक्वल टू 0 इट बिकम्स व्हाट, रियल नंबर। So if you carefully observe, real number is a subset of complex number. Complex number का symbol होता है C. So complex number is a set having real number as a subset. ये मैंने आपको already बताया right? अब देखो 0. 0 is both real as well as प्योर इमेजिनरी। तो 0 क्या है मेरा, इट इज बोथ रियल एज वेल एज प्योर इमेजिनरी। यहां तक आया आपको समझ में, तो दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है तो अभी हम जो ऊपर डील कर रहे थे We were dealing with pure imaginary numbers. ये सारे क्या है मेरे, pure imaginary numbers हैं अभी तक। अब हम complex number पे आते हैं। Complex number पे क्या, मैं real part और imaginary part दोनों को लूंगा। I will take both. Okay? Let's go ahead. अब देखो equality of complex number. Equality of complex number. ठीक है, देखो सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी इज इक्वल टू सी प्लस आई बी, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो सी इफ जेड वन इज इक्वल टू ए प्लस आई बी
and z2 is equal to c plus id. And if a plus ib is equal to c plus id, then a must be equal to c and b must be equal to d. ये कंपल्शन है. कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे जब भी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ए प्लस आई बी इज इक्वल टू टू प्लस थ्री आई, देन ए इज इक्वल टू टू एंड बी इज इक्वल टू थ्री. दिस इज अ रूल. कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल मतलब क्या, रियल रियल से इक्वल होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा. I cannot write like this. 2 plus 3i is equal to 3 plus 2i. This is not correct. This is wrong. ये गलत है. क्यों? Real should be equal to real part and imaginary should be equal to imaginary part. अब देखो एक और चीज याद रखना. There is nothing like greater than or less than in complex number. I cannot say. कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन और लेस देन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. यू कैन नॉट से 1 प्लस 2i इज लेस देन 4 प्लस 5i. दिस इज रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. आई कैन नॉट से विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्मॉलर. इवन आई कैन नॉट से 3 इज ग्रेटर देन 5i. ये सब गलत है. कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी ग्रेटर देन और लेस देन नहीं लगता. You can never put, yes, Z2 is C plus ID. Thank you, Pratik. तो हमेशा याद रखना, complex में ये कभी लगता ही नहीं है. Inequality is never there. Inequality is not there in complex number. Complex number में inequality रहता ही नहीं है. Complex number में सिर्फ equality रहता है. Real should be equal to real. Imaginary should be equal to imaginary. Real should be equal to real. And imaginary should be equal to imaginary. ठीक है? See, you cannot say 6i is greater than 4i. You cannot do. You can only do inequality with real numbers. You can only do equality with real numbers. 4 is greater than 2. That you can do. You cannot do with complex and imaginary numbers. Greater than, less than, imaginary numbers में नहीं. तो कभी भी आप ये inequality मत लगाना. ठीक है शिवम? Okay. If 2x plus 3yi plus 4y plus xi is equal to 2 plus 3i. Then find the value of x and y. Then find the value of x and y. X and y की value निकालो. अब देखो ये equal है दोनों. Real should be equal to real. Imaginary should be real equal to imaginary. हाँ तो सर वो 2x plus 4y is equal to 2 हो जाएगा. Yes, very good. 2x plus 4y plus i x plus 3y. is equal to 2 plus 3i. तो real को real से equate कर दो और imaginary को imaginary से. ये equation 1, ये equation 2. क्या बन गया ये? Linear equation in two variables. Solve कर दो. x माइनस वन आ रहा है, y वन आ रहा है. पक्का शिवम? सब्स्टिट्यूट करके देखो. माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू ना? गलत हो गया. सॉल्व करो, कुछ तो मिस्टेक हुआ. टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू टू. इसको टू से मल्टीप्लाई करो. टू एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स. सब्ट्रैक्ट करो. माइनस माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर. वाई इक्वल टू टू आ रहा है. यस.
और x क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करो, 2 माइनस, ओ ध्यान रखो ध्यान रखो, x इक्वल टू माइनस 3, ये आ गया आंसर. वेरी गुड. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वालिटी. ठीक है, सो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी पढ़ ली, और मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी नहीं होती है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हमेशा याद रखना, जब आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो जिसमें d लेस देन 0 है, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल सपोज मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट आया -1 + 3i, दिस फर्स्ट रूट. तो इसका एक और रूट होगा, क्वाड्रेटिक है तो सेकेंड रूट क्या होगा आपका, सेकेंड रूट होगा -1 - 3i. अगर मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके मेरा सपोज फर्स्ट रूट आ रहा है 2 + 4i, तो मेरा सेकेंड रूट क्या होगा, 2 - 4i. यस कॉम्प्लेक्स ही होगा, लेकिन उसको रियल बोलते हैं. सी रियल नंबर इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको बताया ना. सी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू सबसेट्स, वन इज व्हाट इमेजिनरी नंबर, वन इज व्हाट रियल नंबर. दिस बोथ आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, बट आई एम टॉकिंग प्योरली अबाउट प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योर कॉम्प्लेक्स, जिसमें रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट दोनों है. ठीक है, देखो, so I can say if z is a root of complex number, root of quadratic equation, if z is a root of quadratic equation, then another root will be z bar. Z bar is known as conjugate. कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन उल्टा कर दो. तो सपोज अगर मेरा जेड है 2 + i, या फिर आई कैन से 3 + 2i, तो जेड बार क्या हो जाएगा 3 - 2i, एंड दिस बोथ आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस बोथ आर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब देखो, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, एक बार उसको ध्यान से देखते हैं. जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था, लेट्स ऑब्जर्व इट केयरफुली. देखो आपका आंसर बी आया था. नाउ इफ यू केयरफुली सी, एक रूट क्या आया, एक रूट क्या आया, फर्स्ट रूट वॉज -1 + √3i. सेकेंड रूट क्या था, इसका कॉन्जुगेट था कि नहीं, देखो ध्यान से, -1/2 - √3/2i. How many are understanding this? How many are understanding this? So these both are conjugate. These both are conjugate. ठीक है? अब देखो, अगर मुझे root दिया है और मुझे quadratic equation find करनी है, आपने already conjugate पढ़ा होगा, right? Conjugate पढ़ा होगा, right? लेकिन अभी इसका देखो कैसे use होता है. बहुत अच्छा यूज होगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले एक क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज -1 - 2i, देन फाइंड द अदर रूट.
देन फाइंड द अदर रूट. देखो फर्स्ट रूट क्या है इसका, माइनस वन माइनस टू आई. सेकेंड रूट क्या होगा, सेकेंड रूट विल बी कॉन्जुगेट. सपोज ये मेरा जेड है तो सेकेंड रूट क्या होगा, जेड बार होगा. क्या कैसे लिखेंगे, माइनस वन माइनस टू आई. ओ सॉरी, तो माइनस वन प्लस टू आई हो जाएगा. थैंक यू. ये दो रूट हो गए. अब मुझे क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. अब मुझे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालनी है. देखो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक ही रूट काफी है, वन रूट इज सफिशियंट. देखो तो आप रियल नंबर्स का सॉल्व करते तो आपको दोनों रूट चाहिए, राइट. अगर मैं बोलूं एक रूट थ्री है और इक्वेशन निकालो तो आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, आपको मुझे दूसरा रूट देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव मी अदर रूट, राइट. रियल नंबर्स में आपको दोनों रूट चाहिए जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा नहीं होता. अगर आपको एक रूट भी दिया है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो. अब देखो मैं सॉल्व करता हूं, कोई भी एक रूट लूंगा. देखो x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस टू आई, ये रूट है सपोज x, राइट. z भी ले सकते हो, कुछ भी चलेगा, आई कैन टेक इवन z. अब देखो z प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू आई. अब स्क्वायर करो दोनों साइड. देखो स्टैंडर्ड पैटर्न है, दिस इज अ स्टैंडर्ड पैटर्न. z प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू आई का होल स्क्वायर. क्या आएगा, जेड स्क्वायर प्लस वन प्लस टू जेड इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर. फोर आई स्क्वायर मतलब माइनस फोर. जेड स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन. आप इसको एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड प्लस फाइव इक्वल टू जीरो. आप बोलोगे सर दूसरे से ट्राई करके दिखाओ एक बार, कैन यू प्लीज सॉल्व विथ सेकेंड वन. ठीक है, हम सेकेंड वन से भी करते हैं. अब देखो x इक्वल टू माइनस वन प्लस टू आई, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू आई. मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा, क्या आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज इक्वल टू फोर आई स्क्वायर. x square plus 1 plus 2x equal to minus 4. क्या आया, x square plus 2x plus 5 equal to 0. ये x होगा. तो quadratic equation की खासियत क्या है, एक रूट से भी आपकी equation निकल जाएगी, this is the advantage. और अगर आपको एक रूट दिया है तो आप अपने आप दूसरा रूट निकाल सकते हो. दूसरा रूट क्या होता है, conjugate होता है. तो मैंने देखा आपको equation निकालना बता दिया, और आई ऑल्सो टॉट यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. आई ऑल्सो टॉट यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट. कितनों को यहां तक समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस. बहुत इजी है कॉम्प्लेक्स नंबर. चलो ठीक है, फिर ये बताओ आपको तो सब समझ में आ रहा है. यस, आपको तो सब समझ में आ रहा है. ठीक है, बताओ संडे के पेपर में कितने मार्क्स लाओगे 50 में से. बताओ शिवम कितने मार्क्स आएंगे आपको, तो सब आ रहा है. कंचन बताओ कितने आएंगे. वेरी गुड, इजी तो है पेपर. चलो बताओ संजय कितने मार्क्स आएंगे आपके, 21 प्लस. अरे 21 तो देखो मेरे लिए पास होना ही 30 मार्क्स है. इफ यू वांट टू पास यू हैव टू स्कोर 30 मार्क्स, लेस देन 30. चलो ठीक है, अच्छा मैं धमाके करता हूँ पेपर में. तो सब्जेक्टिव पेपर तो इजी रहता है, सब्जेक्टिव पेपर में कोई टेंशन नहीं रहती.
लास्ट टाइम आप सबके अच्छे मार्क्स आए थे, तो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16 वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 + 2y। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स को इसके अंदर डाल दो आंसर आ जाएगा, राइट? लेकिन ये बहुत ही टफ पड़ेगा। आई टेल यू हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत इजी है। आपको इसकी वैल्यू दी है, निकालनी है वेयर एक्स इज गिवन। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत इजी है। देखो एक्स इज इक्वल टू 1 + 2i, पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, पहले इससे क्या निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो, कैसे करेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2i, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4i स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। कितनों का ये आया, हाउ मेनी गॉट दिस आया सर, x प्लस 1 का होगा ना, ठीक है ठीक। साक्षी आया, आदर्श, साक्षी, कंचन, संजय, विघ्नेश, समीर, अंकुर आया, अब देखो यहां तक आ गया ना, हमेशा याद रखना। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, बहुत इजी है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, डिवाइड करूंगा। सर माइनस 2x नहीं होगा, प्लस 2x कैसे, यस माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, अब ठीक है, यस सर। देखो सही आना चाहिए नहीं तो आंसर बिगड़ जाएगा, तो ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16, इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 से डिवाइड कर। अब सॉल्व करो क्या आएगा, देखो एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16, अब फिर डिवाइड करो प्लस 9, क्या होगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 95 जा 45 माइनस प्लस माइनस, क्या आएगा 12x प्लस 12x माइनस 19, सॉरी माइनस 29। यहां तक कितनों को आया, मैंने ऐसा क्यों किया आपको मैं बताता हूं। देखो कैन आई राइट x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इनटू x प्लस 9 प्लस 12x माइनस 29। आप करते थे बचपन में, ये करते थे 8th 9th क्लास में, 7th 8th में, राइट? मैंने ये क्यों किया, देखो मुझे इसकी वैल्यू पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ दिस। क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5 2x प्लस 5 की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस 9
is equal to 12x minus 29. आंसर क्या आ गया? 12x minus 29. देखो कितना इजी है. अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर दो. अब मैं देखो 12x minus 29 कैसे सॉल्व करूंगा. 12 into x हो जाएगा 1 plus 29 minus 29. क्या आएगा? 12 plus 24i minus 29. क्या आएगा? Minus 17 plus 24i. ये मेरा आंसर होगा. तो देखो इसमें हमेशा एक चीज याद रखो, रिमाइंडर बचता है वही आंसर होता है, बिकॉज बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी. अगर फुली डिविजिबल हुआ तो आंसर जीरो, अगर फुली डिविजिबल हुआ तो आंसर जीरो. देखो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा. वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस टू आई इंटू वन प्लस टू आई, तीन बार मल्टीप्लाई करो, बहुत लेंथी है. ज्यादा इजी है, नहीं है इजी है? इज इट नॉट इजी? पूरा टेंथ का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं तो ऐसे ही करूंगा, आई विल डू लाइक दिस. ठीक है, फिर मैं आपको ये वाला देता हूं. देखो x माइनस फाइव माइनस फोर आई, if x is equal to minus 5 minus 4, right, then find the value of x4 plus 9x3 plus 35x2 minus x plus 4. अब डाल रहे x की वैल्यू, बहुत लेंदी पड़ेगा. स्टूडेंट्स कैन यू ऑल प्लीज सेंड मी योर अटेंडेंस, क्या आप अटेंडेंस भेज सकते हो मुझे? चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? इफ x माइनस फाइव माइनस फोर आई, इफ x इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस फोर आई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. इसको भी सेम तरीके से करो. क्या x प्लस फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर आई, दोनों साइड स्क्वायर करो. x प्लस फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर आई का स्क्वायर. x square plus 25 plus 50x is equal to 69 square. x square plus 50x, तो गड़बड़ की क्या सर? प्लस 10x है ना, वही सोचा था. प्लस 10x प्लस 41 is equal to 0. अब डिवाइड करो. चलो इसमें पूरा डिविजिबल हो रहा है. आप किसी ने पूछा था ना सर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? x4 plus 9x3 plus 35x2 minus x plus 4 डिवाइड बाय x2 plus 10x plus 41. देखो x2 करूंगा, x4 plus 10x3 प्लस 41 एक्स स्क्वायर, माइनस करो क्या आ रहा है? माइनस एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब क्या करूंगा? माइनस एक्स कर दूंगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स.
क्या आएगा, 4x² + 40x + 4 कर दूंगा, 4x² + 40x + 164 करो, माइनस 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 क्या आएगा, -160। आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी आंसर, देखते ही पता चल रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर, -160। द रिमाइंडर है, वही आंसर है बताया था मैंने, राइट। फाइनली ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम x² + 10x + 41 × x² - x + 4 - 160। अब देखो x² + 10x + 41 जीरो है तो ये हट जाएगा, 0 - 160, सीधे 1 - 160 आ जाएगा। देखो इससे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन काफी फास्ट होते हैं, x की वैल्यू डालोगे तो ये क्वेश्चन एक तरफ और बाकी पेपर एक तरफ, बहुत लेंथी पड़ेगा, चार बार मल्टीप्लाई करना इज नॉट इजी एक्चुअली। और इनकेस आपको मल्टीप्लाई भी करना है, आपको बस मैं एक वो दे रहा हूं, लास्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधे रिमाइंडर लिखो। सपोज यू हैव टू फाइंड x की पावर 4 और आपके x क्या है 1 + 2i, तो देखो आप कैसे करो, x इंटू x करो, 1 + 2i × 1 + 2i, अभी मल्टीप्लीकेशन पे आऊंगा तो आपको x² मिल जाएगा। अब आपका सपोज x² आया -3 + 4i, मैं स्कूल का भी बता रहा हूं। देखो सपोज आपने x² निकाल लिया -3 + 4i, अब देखो क्या करो, अगर आपको x4 निकालना है तो x² × x² करो या फिर x × x² करो, फिर जब x² करोगे तो आपका फिर क्या आएगा, -3 + 4i × 1 + 2i, फिर आपका x³ आएगा, फिर उसको फिर मल्टीप्लाई करो फिर x4 आएगा, मतलब बहुत मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा। वैसे मल्टीप्लीकेशन की भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप हाउ जस्ट बाय सीइंग द इक्वेशन यू कैन राइट। देखो मैंने इसको देखते ही डायरेक्ट आंसर लिख दिया, वैसे मैं इसको भी डायरेक्ट देख के आंसर लिख सकता हूँ। I will also tell you how to quickly observe equation and write multiplication. So, ये दूसरा method है, multiply कर करके निकालो, फिर x4 की value डालो, फिर x³ की value डालो। Yes, yes, Vedant. Class 5:30 तक ही है, 6 बजे तक नहीं है। हाँ ये मेथड करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दिस मेथड, आपको ऑलरेडी पता है कि रिमाइंडर इज द आंसर। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नेक्स्ट टॉपिक, हाउ आई रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये वेक्टर्स की तरह, दिस इज लाइक अ वेक्टर्स, वेक्टर्स याद है 2i + 3j रहता था तो कैसे लिखते थे, x एक्सिस में 2, y एक्सिस में 3 और ये पॉइंट क्या हो जाता था मेरा 2, 3, याद है आपको वेक्टर्स लिखते थे। देखो वैसे ही कार्टेशियन फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, देखो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 4 + 2i, तो देखो ये x एक्सिस मेरा रियल एक्सिस होता है, रियल एक्सिस,
अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है भाई, पोलर फॉर्म सिलेबस से चला गया, लेकिन आईआईटी और बाकी जगह तो आएगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। देखो मैं तो सब पढ़ा रहा हूँ, आई टीच एवरीथिंग, ठीक है। सो देखो दिस एक्स एक्सिस इज रियल एक्सिस, रियल ऑब्जेक्ट, एंड वाई एक्सिस इज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, वाई एक्सिस इज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। This is known as imaginary axis. अब मुझे 4+2y बनाना है, तो x एक्सिस में 4 ले लो, y एक्सिस में 2 ले लो, ये क्या हो गया मेरा 4, 2, 4+2y, सिमिलर टू कार्टेशियन वेक्टर। लेकिन इस प्लेन को, इसको हम कार्टेशियन प्लेन, देखो ये मेरा कार्टेशियन प्लेन होता है राइट, बट दिस इज नॉट नोन एज कार्टेशियन प्लेन, दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन, दिस इज नोन एज आर्गन प्लेन। आपने सुना है ये नाम आर्गन प्लेन? सो इसको क्या बोलते हैं हम, आर्गन प्लेन बोलते हैं। अब देखो जैसे वेक्टर कैसे रहता था, अब 2 और 3 को ऐसे ज्वाइन करते थे तो ये आपका वेक्टर बन जाता था राइट। सिमिलरली जब मैं ओरिजिन से 2, 4, 2 को ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैं ओरिजिन से 4, 2 को ज्वाइन कर लूंगा, व्हाट आई विल गेट, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? देखो जो भी आपने सिलेबस हटा है ना, आप उसको मिस मत करो, बिकॉज फ्यूचर में आपको ट्रबल आ सकता है। देखो आपके जो भी एग्जाम्स हैं, आईआईटी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, दे विल नॉट एक्सक्लूड द सिलेबस, सीबीएसई ने हटा दिया, बट इट्स नॉट दैट अदर्स में रिमूव, स्टेट बोर्ड हटाए ना हटाए, आईएससी हटाए ना हटाए, व्हाट टू से अबाउट, ओके एक मिनट मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ। चलो अब हम आते हैं, कार्टेशियन फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो पोलर फॉर्म क्या है, अब देखो वेक्टर का क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था और ये एंगल डायरेक्शन होता था। वैसे ही सपोज मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, विकेट गिर गए 2-3, कहाँ चलेगा भाई, आज कुछ है क्या, 5 बजे स्टूडेंट चले गए, समथिंग इज देयर इन स्कूल, आईपीएल क्या? देखो सपोज मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो जो लेंथ है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस लेंथ को क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस, दिस लेंथ इज नोन एज मॉड्यूलस, दिस लेंथ इज नोन एज मॉड्यूलस। जो ये थीटा एंगल है इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, ऑल्सो नोन एज एम्पलीट्यूड। अब देखो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, वेक्टर में एम्पलीट्यूड लेंथ होता था राइट, वेक्टर में एम्पलीट्यूड लेंथ होता था, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगल होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगल होता है। आ रहा है समझ में? फॉर एग्जाम्पल मेरा सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो मॉड्यूलस क्या होगा, मॉड्यूलस होगा मेरा ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया, मॉड्यूलस हो गया। अब आर्ग्यूमेंट कैसे लिखेंगे, देखो आर्ग्यूमेंट, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, tan थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, ठीक है। अच्छा ये आउट ऑफ सिलेबस इसलिए चलेगा क्या बच्चे, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, 180 प्लस tan इनवर्स बी बाय ए, 180 प्लस tan इनवर्स, अच्छा इनवर्स नहीं लगाया, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाय ए, दिस इज हाउ वी फाइंड। मैं यहां से थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि आपको बोलो सर मॉडुलस z में वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b i स्क्वायर क्यों नहीं है सर, b स्क्वायर क्यों है सिर्फ, क्योंकि मॉडुलस क्या लेंथ है, ये लेंथ मॉडुलस है, दिस लेंथ इज नोन एज मॉडुलस। सो वी डोंट इंक्लूड द इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट, दिस पॉइंट इज a कॉमा b। अब डिस्टेंस फार्मूला लगा ओरिजिन से क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पोलर फॉर्म क्या है, ये मॉड्यूलस क्या है, ये लेंथ है, और ये थीटा क्या है मेरा, दिस थीटा इज आर्गुमेंट, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखो आर्गुमेंट क्या है मेरा, आर्गुमेंट हैज मल्टीपल वैल्यूज, जो मेरा थीटा आएगा, आर्गुमेंट एक्चुअली क्या होता है, 2n पाई प्लस थीटा, 2n pi plus theta क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हर साइकिल पे रिपीट होगा, जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 plus i, सपोज माई कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 plus i, अब देखो 1 plus i हो गया, मेरा मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 plus 1 इज इक्वल टू रूट 2, ये मेरा मॉड्यूलस हो गया। आर्ग्यूमेंट क्या होगा ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा, थीटा क्या होगा tan इनवर्स, देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 1,1, तो tan इनवर्स v बाय ए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बाय 1, 2n पाई प्लस tan इनवर्स 1 क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, tan पाई बाय 4 क्या होता है, tan पाई बाय 4 1 होता है, राइट, तो पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ये मेरा आर्ग्यूमेंट हो गया। कितनों को आया समझ में ये, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस, मैं और क्वेश्चन लूंगा, और क्वेश्चन लूंगा, यस आई लगे नेक्स्ट प्लेन। सपोज मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -3i, सपोज, यस आई विल अगेन रिपीट आर्ग्यूमेंट पार्ट, सॉरी जेड, मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं आपको बनेगा। अब देखो जेड क्या है मेरा, -1 -√3 है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये, क्वेश्चन हम करेंगे, पहले आप समझो पोलर फॉर्म और ये फॉर्म, थर्ड क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड और थर्ड में ये लगता है आर्ग्यूमेंट थीटा के लिए, राइट,
अब देखो पहले मॉड्यूलस निकालते हैं. मॉड्यूलस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वन प्लस क्या होगा थ्री इक्वल टू रूट फोर इक्वल टू टू. मॉड्यूलस क्या आ गया? टू. आर्ग्यूमेंट देखो ए आर जी कुछ भी चलेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना. कई बार मैं जे लिख देता हूँ, कई बार जी लिख देता हूँ. अब देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस टेन इनवर्स बी बाय ए माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन. क्या होगा? 180 प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री. रूट टेन इनवर्स रूट थ्री मतलब क्या? 60. तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस 60 इक्वल टू 240. और यू कैन इवन राइट इन टर्म्स ऑफ पाई. क्या हो जाएगा? 4 पाई बाय 3. तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये मेरा थीटा है. अब देखो आर्ग्यूमेंट में 2n पाई ऐड करते हैं. 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3. मैंने 2n पाई क्यों ऐड किया? देखो फर्स्ट साइकिल में वैल्यू आएगी 4 पाई बाय 3. देखिए मैं अगर एक और साइकिल घुमा के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस 4 पाई बाय 3. फिर एक और साइकिल 4 पाई प्लस 2 पाई बाय 3. आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था मल्टीपल साइकिल जब टर्न करते हैं तो 2n पाई ऐड करते हैं. कितना को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग? आया समझ में? दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है. चलो ओके, पहले हम ये दो चीजें निकालते हैं, ठीक है. आपको क्वेश्चन है क्या है? ये चार वैल्यूज हैं. फाइंड द मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट. ये बाद में निकालेंगे, अभी मैं आपको ये बताऊंगा. एक दो चीजें और है, इजी है, टफ नहीं है. ये चार क्वेश्चन है. कैन वी फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ऑल दिस फोर? इज इट पॉसिबल? यस. इज इट पॉसिबल? बिकॉज यू आर देयर, यू आर वेरी इंटेलिजेंट. Yes, सबका मॉड्यूलस 2 होगा. अब देखो इसको z ले लो, सबको z ले लेते हैं. z is equal to 1 plus root 3i. मॉड्यूलस ऑफ z is what? अंडर रूट ऑफ 1 plus 3 equal to 2. यहाँ पे z is equal to minus 1 plus root 3i. मॉड्यूलस ऑफ z is अंडर रूट 1 plus 3 equal to 2. इधर भी मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस 3 इक्वल टू 2. यहाँ पे भी मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा? 1 प्लस 3 इक्वल टू 2. सबका सेम आ गया, वेरी गुड. अब ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट देखो पहले. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट. तो क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री बाय वन. क्या आ जाएगा थीटा? क्या आ जाएगा थीटा? आ जाएगा पाई बाय थ्री. तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? टू एन पाई प्लस पाई बाय थ्री. एन क्या है? मेरा इंटीजर है. ये ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशन की तरह. बोलो कौस्तुभ क्या हुआ?
How we will find quadrant? देखो ये क्या होगा, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, 1, √3। ये देखो -1 + √3 है, x एक्सिस -1 है, y एक्सिस क्या है √3, क्या होगा -1, √3। ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट, आया समझ में कौस्तु? ओके स्टूडेंट बताओ ये सेकंड कौन सा क्वाड्रेंट है? अच्छा हमने निकाल लिया सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। थीटा क्या होगा 180 + tan inverse V/A, 180 + tan inverse √3/-1, 180 + tan inverse −√3। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज याद रखना क्या, tan inverse माइनस सपोज −√3 है तो क्या हो जाएगा −10 - tan inverse √3 हो जाएगा। tan inverse −√3 क्या होगा −10 inverse √3, याद रखना नेगेटिव बाहर आता जैसे tan में आता था, राइट। तब ये क्या हो जाएगा, अच्छा थीटा निकाल रहे इक्वल टू 180 - tan inverse √3, क्या होगा 120 होगा, 130 है 2π/3। मेरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2n π + 2π/3। देखो क्वाड्रेंट कैसे फाइंड कर रहे हैं, −1 + √3 आए, देखो रियल पार्ट मेरा एक्स एक्सिस होता है, इमेजिनरी पार्ट में वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में -1 है, वाई एक्सिस में √3 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ कि नहीं शिवम? देखो क्वाड्रेंट इजी है, अब ये वाला देखते हैं, 1 - i √3। अब इसको हम कैसे करेंगे, देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ। अब आपको फॉर्मूला पता है थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स सॉरी V/A - √3/1 इक्वल टू टेन इनवर्स −√3। थीटा क्या आ जाएगा मेरा −10 inverse √3, क्या हुआ −π/3। थीटा क्या हो जाएगा 2n π - π/3, सॉरी थीटा नहीं आर्ग्यूमेंट, कितनों को ये समझ में आया तक, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर, हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? अब है आया आपको प्रतीक ऋषभ युगांश साक्षी को आया, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। −1 - √3 ये कौन सा क्वाड्रेंट है,
माइनस वन माइनस रूट थ्री। थर्ड, अब तो आपका आ गया होगा, आप बोर हो रहे होंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन माइनस वन। क्या हो जाएगा 180 प्लस टेन इनवर्स रूट थ्री। देखो ये कॉन्सेप्ट आप ना, तो मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ, ये वेक्टर में भी लगा सकते हो, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, सेम थिंग आई एम डूइंग, सेम थिंग। आप ये कॉन्सेप्ट वेक्टर्स में भी लगा सकते हो, 180 प्लस 60 इक्वल टू 240, या फिर आप उसमें लेना चाहो थीटा इक्वल टू 4 पाई बाय 3। मेरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 4 पाई बाय 3। यहां तक कितनों को आया, कितनों को ये पूरा समझ में आ गया? चलो ठीक है, एक्चुअली आज मैं डिस्कशन करने वाला था, सोचा 2 घंटे क्लास रहेगी, ड्यू टू सम रीजन आई एम कीपिंग 1.5। संडे को 2 आवर्स क्लास है, मैं संडे को 100% डिस्कशन करूंगा, ठीक है, संडे आई विल डू 100%। टेस्ट टाइम मॉर्निंग में रहेगा, सोच रहा हूँ क्लास के पहले टेस्ट कर दूं, फ्रेश फ्रेश अब दे दोगे तो ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने को बतानी है, अभी हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ जेड आया 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या होगा 5/3, मॉड्यूलस ऑफ जेड 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड 2π/3, मॉड्यूलस ऑफ जेड 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड -π/3। देखो मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूं, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज, एन को जैसे आप इंटीजर को वैल्यू चेंज करोगे, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 सब वैल्यूज आएंगी। आर्ग्यूमेंट हैज मल्टीपल वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट हैज थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एक ही वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। इसका क्या आएगा, मॉड जेड क्या हो जाएगा 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा 4π/3। अब देखो इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं, पोलर फॉर्म बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 2 एंगल π/3, और आई कैन राइट जेड इज इक्वल टू, दिस इज नॉन एज यूलर फॉर्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूलर फॉर्म, यूलर, यूलर फॉर्म, EULOR, वी राइट 2 ई की पावर आई π/3। वैसे ये क्या हो जाएगा मेरा यूलर फॉर्म में, 2 e की पावर i 2π/3, ये क्या हो जाएगा यूलर फॉर्म में, 2 e की पावर -i π/3, और ये क्या हो जाएगा 2 e की पावर i 4π/3। अब यूलर फॉर्म को मुझे अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे, 2 cos pi by 3, sorry, sin pi by 3 plus i cos pi by 3, वापिस क्या आ जाएगा मेरा, यही आ जाएगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, z equal to 2 sin 2 pi by 3 plus i cos 2 pi by 3,
सर हम बोलो सर पहले कॉस रहता है यूलर फॉर्म में यूलर फॉर्म में साइन पहले रहता है यस सर साइन माइनस पाई बाय थ्री प्लस अच्छा हाँ सही बोल रहा हूँ वो दूसरी चीज में रहते हैं इसमें दैट इज आएगा टू कॉस फोर पाई बाय थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाय थ्री पोलर कुछ नहीं है एंगल और थीटा एंगल टू थीटा फोर पाई बाय थ्री सो दिस इज यूलर फॉर्म और जब मैंने इसको ओपन किया तो मैं यहां से वापस कहां आ जाऊंगा इधर आ जाऊंगा टू कॉस पाई बाई थ्री क्या हो जाएगा टू वन बाई टू प्लस आई रूट थ्री बाई टू 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 कटेगा यही आ गया आज के लिए इतना मैं कर रहा हूं बस कितनों को ये समझ में आया हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस वस्तु आया समझ में लास्ट का देखो मेरा क्लास हो गया जिसको समझ में आया ही कैन लीव जिसको डाउट है ही कैन रिमेन आई विल गिव वन टू मोर मिनट्स यस शिवम क्या डाउट है ये वाला अनम्यूट करके पूछ लो